हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई विल डिस्कस टुडे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आज हम बात करने वाले हैं गाइस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल OH। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन की रिएक्शन लेंगे बच्चों। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना, और किसकी प्रेजेंस में होगा? H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। अब H2SO4 की प्रेजेंस में डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर लेते हो 443 केल्विन या इसके लमसम लेते हो, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर देते हो 413 केल्विन तो गाइस इथर का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज डिपेंड अपॉन H2SO4 एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज प्रोडक्ट चेंज। सबसे पहले दिया हुआ है इंटरमोलिकुलर रिमूवल ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ इथर। ये कब होगा? फॉर्मेशन ऑफ इथर जब टेम्परेचर होगा 413 केल्विन। अगर टेम्परेचर गाइस 443 केल्विन के आसपास है तो फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। इसका फॉर्मेशन होगा गाइस, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए गाइस, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हम करने वाले H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां पर गाइस एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी कि 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन तेजी से होगा इन कंपैरिजन 2 डिग्री के साथ। और 2 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री एल्कोहल में H2O तेजी से रिमूव होता है इन कंपैरिजन 1 डिग्री के साथ। चलिए तो गाइस करते हैं शुरू। अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसकी प्रेजेंस में गाइस H2SO4 की प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराइएगा। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं H2SO4। टेम्परेचर लेते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर। अगर आप 443 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो तो गाइस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, यानी कि बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। और एथीन क्या होगा गाइस? एल्कीन। तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 ब्रेक डाउन, आप इसको ब्रेक कर दीजिएगा H+HSO4-। और ये जो H+ है गाइस इसके साथ रिएक्शन करेगा ये H2O के साथ, या प्रोटोनेशन दे लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं, आप सीधे प्रोटोनेशन करा सकते हो सीधे। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन टू 3 स्टेप्स। लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन टू 3 स्टेप। लिख देता हूँ गाइस, मैकेनिज्म ऑफ एबो रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन टू 3 स्टेप्स। तीन स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप फर्स्ट की बात करें तो CH3CH2OH प्रोटॉन दिया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैच करेंगे? एच पे। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH2 पॉजिटिव। ये बनेगा ऑक्सोनियम आयन। इन सेकेंड स्टेप ऑक्सोनियम आयन CH3CH2OH इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक डाउन कन्वर्टेड टू कार्बो कैटायन, यानी कि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये बनाएगा कार्बो कैटायन
H2O remove from this. ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ गाइस। और स्टेप थर्ड की अगर हम बात करते हैं गाइस, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर डी प्रोटोनेशन होता है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये बना देगा एथीन। इसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर गाइस, एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है, ये था मैकेनिज्म। अगर हम बात करें प्रोपेन टूल, इसका डिहाइड्रेशन कीजिएगा प्रोपेन टूल, किसकी प्रेजेंस में होगा? H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। इस क्या बनेगा? ये बनाएगा गाइस प्रोपीन। इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाता है। CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाएगा प्रोपीन। H2O रिंग, ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है गाइस, किसकी प्रेजेंस में होगा? ये प्रेजेंस होगी यहाँ पर H2SO4 की। H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर। तो प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म सेम है, एक ही स्टेप में मतलब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें गाइस, तो ऐसे करना है हमको मैकेनिज्म। मैकेनिज्म उनको आना चाहिए, अगर मैकेनिज्म नहीं आता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है हमको। देखो सबसे पहले H2SO4 ब्रेक हो जाएगा H प्लस HSO4 में। अब ये लिया हमने OH, इसके साथ रिएक्ट कराया प्रोटॉन, ये नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर अटैच करेगा गाइस? इस H के पास, और ये बना देगा CH3CH OH2 पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दीजिएगा, H2O रिमूव हुआ है यहाँ से, H2O रिमूव होंगे, कन्वर्टेड टू CH3CH2, वी कैन राइट SH। ये बना आपका कार्बोकैटायन ऑक्सोनियम आयन, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, H रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपीन में। ये इसका मैकेनिज्म, तीनों स्टेप को एक साथ कर सकते हो प्रोपीन, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल पे एकेडमिक में आपको इस तरीके से देना है। एकेडमिक के लिए ये प्रोसेस है कि मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन टू 3 स्टेप। और गाइस ये याद रखना, मैकेनिज्म मोस्ट है, वेरी मोस्ट, ये एकेडमिक के लिए काफ़ी मोस्ट है, कॉम्पिटिशन के लिए भी मोस्ट है। इस तरीके का अगर मैकेनिज्म नहीं आता तो रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी। और देखिएगा सी, अगर ये एल्कोहल दिया हुआ है OH, यहाँ पर गाइड CH3, नाम इसका 3-3-dimethyl-butane-2 or 2-butanol-2 अधिक ज़्यादातर तुम्हारी में गाइस इस तरीके से मिलता है, मैं लुक वाले ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ब्यूटेन टू ऑल ऐसे, या 2-butanol। क्लियर? अब इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, किसकी प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया गाइस? H2SO4 की प्रेजेंस। यहाँ पे मैंने ले लिया H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट बनता है गाइस, तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3 ब्यूट। सबसे पहले 2-3-dimethyl, तो आपको लिखना ही पड़ेगा 2-3-dimethyl-butene, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें गाइस, मैकेनिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एबो रिएक्शन हुई कैसे, तो सबसे पहले तो H2SO4 को ब्रेक करोगे आप, इसमें टूटेगा H+ HSO4-। अब यहाँ पर देखिए, हमने लिया CH3 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 CH OH और गाइस CH3, इसको रिएक्ट कराया प्रोटॉन के साथ
एच ये प्रोटॉन के साथ इसको रिएक्ट, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे गाइस। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर अटैच करेंगे, इसके पास यहाँ पर अटैच करेंगे और ये बना देगा CH3 CH2 पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन। ये क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन। अब यहाँ से ये जो लोन है गाइस ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे, यानी कि H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से। H2O रिमूव हुआ तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता है, अब हमारे पास बनता है CH3 CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज CH3। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इट्स ऑल द रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग भी बोल सकता, शिफ्टिंग हो जाएगी और आफ्टर शिफ्टिंग इट कन्वर्टेड टू, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज राइज और यहाँ पर आप CH3 CH3 और यहाँ पर ये H। अब ये बॉन्ड राइज ऐसे ब्रेक होगा, यानी कि जो H था वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ये मेन प्रोडक्ट बना देगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये बन गया 2,3-dimethyl-2-1-3-ene। आई थिंक ये क्लियर होगा आपके। और देखिएगा अगर साइक्लिक में आ जाए कहीं पे भी, जैसे ABCD है आई थिंक, ये यहाँ पर देखें लाइक एज दिस, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ, इसकी प्रेजेंस H पॉजिटिव प्रोडक्ट, किस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर, कोई मतलब कर सकते हैं आप बच्चों सवाल इसको, बिल्कुल आसान सा है। अगर देखिए मैकेनिज्म देखिएगा इसका, ये है OH, हमने लिया H पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कहाँ पर अटैच करेंगे, इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होता है तो ये बनाएगा ऑक्सोनियम आयन। क्या बनाता है ये, ऑक्सोनियम आयन। OH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, H2O रिमूव। अब यहां पर गाइस देखो इसको इसको समझने की कोशिश करना, और इसको यहां से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसके दो तरीके हैं, इसको ऐसे कर सकते हो ऐसे या फिर आप इसको ऐसे, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन। एक तो यह है कि ये रिंग एक्सपेंशन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है साइड की ओर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एक एच रिमूव करेंगे यहाँ से कहीं से भी, एक लाइक एच दिस बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन, एच रिमूव होगा और गाइस ये बनाएगा साइक्लोहेक्सीन, तो ये प्रोडक्ट बनता है। और एक ये बॉन्ड यहाँ पर एच ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड इट कन्वर्टेड टू मिथाइल साइक्लोपेंटीन, मिथाइल साइक्लोपेंटीन, दो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं गाइस। तो इस तरीके आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप कर सकते हो इसे। तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, आई थिंक ये क्लियर है। बस ये याद रखना है डिहाइड्रेशन में जितनी जो मैंने रिएक्शंस लिए हैं यहाँ पर, मोस्टली वो रिएक्शंस है गाइस जो कंप्लीट हो रही है 443 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज है तब क्या फॉरवर्ड होगा देख लीजिएगा एक बार। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं गाइस, यहां पर देखिए
CH3CH2OH, और जैसे ही आपने H2SO4 की, but temperature 403 Kelvin temperature, then it gives CH3CH2OCH2CH3, ये देगा diethyl ether, ये भी most है guys, ये most है academic के लिए, ये most reaction है। अगर mechanism की बात करें, mechanism of above reaction सेम है, H2SO4 को ब्रेक कर दीजिएगा, ये किसमें ब्रेक होगा गाइस, H प्लस HSO4 नेगेटिव, H प्लस HSO4 नेगेटिव में, और ये जो CH3CH2OH है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर H पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर अटैच करेगा, करेगा तो ये बनाएगा ऑक्सोनियम आयन, सेम उसी की तरह है ऑक्सोनियम आयन, दिस वन इज ब्रेक डाउन एस एच, H2O रिमूव फ्रॉम हियर, and it gives CH3CH2 positive charge, and then CH3CH2OH lone pair of electron है, ये कहाँ पर attach करेंगे, यहाँ पर electron की कमी होती है, तो ये बनाएगा CH3CH2OCH2CH3, यहाँ पर H positive charge, ये bond ऐसे break होगा guys, H remove हुआ और ये convert हो जाता है diethyl ether में, ये बन गया diethyl तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपके, टेम्परेचर का रोल है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रोडक्ट चेंज होगा, टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर है तो गाइस क्या बनेगा, 443 केल्विन टेम्परेचर है तो बन जाएगा एल्कीन, और 413 केल्विन टेम्परेचर है यस के आसपास है गाइस तो बन जाता है इथर, ये ना मोस्ट इक्वेशन है, चलेगा अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये ध्यान करना है कि ये कॉपर की प्रेजेंस में होगी, जब अल्कोहल को कॉपर ट्यूब से पास किया जाता है, कॉपर ट्यूब में से इसको पास किया जाता है 573 केल्विन टेंपरेचर, इट कन्वर्टेड टू कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, देखिए मेरा रिएक्शन कैसे करेंगे गाइस, CH3OH मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेंपरेचर डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इसका मतलब हाइड्रोजन बाहर तो बना CH2O फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन, अगर आप लेते हो CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस 573 केल्विन टेंपरेचर देन इट गिव्स CH3CH डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बाहर, अगर आप लेते हो CH3CH3CHOH कॉपर की प्रेजेंस सेम कंडीशन है हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिएगा ये बनाएगा एसीटोन ये फॉर्मेशन होता है, यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और ये गाइस फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड दिस वन इज इथाइल अल्कोहल और ये हुआ एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और ये बना देगा गाइस एसीटोन, इसका फॉर्मेशन करेगा ये एसीटोन का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं यहां पर, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा ध्यान रखना KMnO4 या PCC या CrO3 या K2Cr2O इनमें से किसी की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा सकते हो अल्कोहल की गाइस, अगर आप रिएक्शन करते हो PCC बड़ा अच्छा है रिएजेंट ऑक्सीडाइज करा दीजिएगा ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ PCC तो गाइस ये देगा फॉर्मल्डिहाइड H2O रिमूव बाय ऑक्सीडेशन
अगर आप लेते हो CH3 CH2OH ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा टू प्रेजेंस ऑफ PCC इट गिव्स एसिटाल्डिहाइड H2O रिमूव। इसकी जगह आप KMnO4 का यूज भी कर सकते हो एल्केलाइन मीडियम में। अगर आप KMnO4 का यूज करते हो KMnO4 ये अच्छा रिएजेंट है गाइस, तब भी फॉर्मेशन होगा कार्बन कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का। ये फॉर्मल्डिहाइड यू नो ये एसिटाल्डिहाइड और ये होता है एसीटोन। आप टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो तब भी गाइस एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। कितने मोल ले लोगे यहाँ पर, पहले 3 मोल लेके देखते हैं तब बनाएगा एसीटोन। CH3 सी डबल बॉन्ड हो इसमें से CO2 प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। कितने H2O रिमूव होंगे, 2 H2O रिमूव हो जाएंगे, 2 और 2 4 यानी कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन को चाहिए। तो गाइस ये था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, मोस्टली KMnO4 या PCC की प्रेजेंस में। डिफरेंशिएशन बिटवीन अल्कोहल, अल्कोहल का डिफरेंशिएशन होता है विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से कैसे करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला होता है ZnCl2 प्लस HCl। आपके पास 3 अल्कोहल है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों आप लेते हो सेम बीकर में, हमें नहीं पता कौन से बीकर में कौन सा अल्कोहल है। तो आप कैसे करोगे, ल्यूकास रिएजेंट डाल के देख लीजिए थोड़ा दिनों में। अगर ऑन द स्पॉट वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर अप्रोक्सीमेट 5 मिनट के बाद आता है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर प्रेसिपिटेट आता ही नहीं है या गर्म करें तो वाइट टर्बिडिटी आती है, तो वाइट समझ लेना प्राइमरी अल्कोहल है। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर एक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर एक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल की एक्टिविटी होकर रहेगी गाइस। और इसमें देखेंगे ल्यूकास टेस्ट, सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है गाइस ZnCl2 प्लस HCl। वाइट पीपीटी कैसे आएगा, आप रिएक्शन भी दे सकते हो कि CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये आपने ल्यूकास रिएजेंट यानी कि ZnCl2 के साथ रिएक्शन की तो रिएक्शन नहीं होती, और आप गर्म करते हैं तो हल्का सा टर्बिडिटी आता है, वाइट टर्बिडिटी आता है गाइस। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, और ज़्यादा होने के कारण ये वाइट पीपीटी बनाएगा आफ्टर 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट इट गिव्स वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर अप्रोक्सीमेट 5 मिनट। ये अप्रोक्सीमेट में होगा गाइस 5 मिनट। और अगर टर्शियरी अल्कोहल की हम बात करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ ऑन द स्पॉट यानी कि तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट देता है RRRCl+H2O वाइट पीपीटी ऑन द स्पॉट गाइस। क्लियर है, तो ये दिया हुआ है टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट 2 to 3 सेकेंड और टर्शियरी अल्कोहल के साथ यानी कि सेकेंडों में लेगा, और ये जब रूम टेम्परेचर पे हीट करते हैं तब कुछ हल्की सी टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स मिलती है। इससे ये पता चलता है कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव विद ल्यूकास रिएजेंट देन 2 डिग्री अल्कोहल। आप ऐसा देख सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। अब बात करते हैं विक्टर मेयर मेथड की गाइस। विक्टर मेयर मेथड भी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और एक साइड में लिया आपने टर्शियरी अल्कोहल। ये तीनों अल्कोहल है, यहाँ पर भी मैं अल्कोहल और ये गाइस ये भी अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला CH2OH, सेकेंडरी का RRCHOH और टर्शियरी का होगा RRRCOH। तीनों अल्कोहल में आप सेम रिएक्टेंट डालें, सबसे पहले डालोगे आप I2 रेड फास्फोरस प्लस I2, इसमें भी रेड फास्फोरस प्लस I2 और यहाँ पर भी रेड फास्फोरस प्लस I2। जैसे ही I2 डालेंगे तो गाइस हमें मिलता है RCH2I, यहाँ पर RRCHI और इसकी जगह क्या लग जाना है I, और यहाँ पर हमको मिलेगा RRRCI OH की जगह आई है। अब इसमें आप इसका यूज करेंगे तीनों में,
आप AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्राइड और गाइस यहाँ पर भी सिल्वर नाइट्राइड का यूज करेंगे तो बन जाएगा RCH2NO2, यहाँ पर भी RRCHNO2 और गाइस यहाँ पर भी RRRCNO2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली रिएक्शन होगी, लेकिन अब इन तीनों में अगर हम HNO2 का यूज करते हैं, HNO2 यहाँ पर भी HNO2 गाइस और यहाँ पर भी HNO2 का यूज करते हैं तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा H2O, यहाँ पर भी H2O रिमूव होगा तो भाई बचेगा आर सी, एक साइड में तो NO2 लगा दीजिएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर देखिए आर आर सी एक तरफ N डबल बॉन्ड O एक साइड में NO2 और ये रिएक्शन होगी क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं। फिर तीनों में आप NaOH डाल दीजिएगा, यहाँ पर भी NaOH, यहाँ पर भी NaOH और यहाँ पर भी NaOH, तो कलर मिलता है आर बी सी, किस कलर का पीपीटी बनेगा, रेड, वन डिग्री में तो मिलता है रेड, रेड कलर का पीपीटी, टू डिग्री में ब्लू, इस कलर का ब्लू और ये मिलता है हमको कलर पास, ये इसमें मिल जाएगा हमको कलर लेस, कलर लेस, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करने का सबसे बेस्ट वे है आरबीसी, याद रखिए आप आरबीसी, वन डिग्री रेड, टू डिग्री ब्लू और थ्री डिग्री कलर लेस, क्लियर, याद रखना है। सबसे पहले आप अल्कोहल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, तो सबसे पहले रेड फास्फोरस आई टू, दूसरे नंबर पे AgNO2, थर्ड नंबर पे HNO2, फोर्थ नंबर पे NaOH, यानी कि तीनों बीकर में सबसे पहले क्या डालेंगे आप, रेड फास्फोरस आई टू एंड देन AgNO2, देन HNO2 एंड आफ्टर दैट NaOH, RBC यानी कि रेड ब्लू कलर लेस, 1 डिग्री है तो रेड कलर का पीपीटी देगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो ब्लू कलर का पीपीटी देगा और 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होगी तो कलर लेस देगा, ऐसे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विक्टर बेयर और ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2+HCl, इसकी हेल्प से भी हम अल्कोहल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं गाइस। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आधा घंटे बाद के आसपास गर्म करने पर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है व्हाइट पीपीटी, 2 डिग्री है तो लगभग 5 मिनट के बाद व्हाइट पीपीटी मिलता है और 3 डिग्री है तो ऑन द स्पॉट व्हाइट पीपीटी हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, तो पहला फैक्ट देखिएगा टॉक्सिसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल लेस देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड लेस देन मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल गाइस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा पॉइजन प्रवृत्ति का होता है। फिर बात करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कौन होगा गाइस, इथाइल अल्कोहल जिसमें 99.5% इथाइल अल्कोहल होता है, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% और 99 से 100 के बीच मान लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा पावर अल्कोहल, मोस्ट है पावर अल्कोहल, कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाता है तो ये किसका मिक्सचर होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट बेंजीन और पेट्रोल का, इनका मिक्सचर होता है पावर अल्कोहल, याद रखना पावर अल्कोहल क्या होता है, कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा गया है, एकेडमिक के लिए भी मोस्ट हो सकता है ये, तो देखिएगा नेक्स्ट है आइसोलेटेड मिथाइल एटिल स्पिरिट क्या होगी, मेथेनॉल प्लस प्रीडीन प्लस मिनरल नेफ्था रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये गाइस ऐसी स्पिरिट मतलब आप डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो, कोई भी विषैली चीज इसमें मिलाई जाती है, चाहे प्रीडीन मिलाएं चाहे मिथाइल अल्कोहल मिलाएं चाहे आप इसमें मिक्स करें नेफ्था वगैरह और मिनरल नेफ्था जिसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट वगैरह, ये सारे मिथाइल एटिल स्पिरिट कहलाती है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद अगर हम बात करें वुड स्पिरिट की तो 70% मिथाइल अल्कोहल जिसमें पाया जाता है दैट इज वुड स्पिरिट। इसके बाद अगर बच्चों रोवर स्पिरिट क्या होती है 90% मिथाइल अल्कोहल आर्गोन है जो रोवर स्पिरिट, और इथाइल अल्कोहल का यूज वाइन के रूप में या मेडिसिन के रूप में किया जाता है, जो वाइन के रूप में यूज की जाती है दैट इज इथाइल अल्कोहल, और जहरीली शराब पीने से मरने वालों का जो
कारण होता है वो मिथाइल अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल ही शराब को जहरीली बनाती है बाय फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, दूसरे प्रोसेस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है इथाइल अल्कोहल, जिसके कारण वाइन जहरीली हो जाती है। दूसरा है बच्चों रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95.5% मिथाइल अल्कोहल एंड 4-5% H2O। ये थे कुछ मेन फैक्ट्स ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल हो जाता है गाइस फिनिश। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने कमेंट भी देते रहिएगा गाइस। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।